नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप देखेंगे हरिश्चंद्र घाट रीडेवलपमेंट। जैसा कि मालूम हो, बनारस में कुल 84 घाट हैं और इन 84 घाटों में से सिर्फ 2 घाट ही ऐसे हैं जहां पर शवदाह कार्यक्रम संपन्न किया जाता है, और दोनों ही घाट सनातन धर्म को मानने वाले लोगों में काफ़ी महत्व रखता है, जिसमें से एक है हरिश्चंद्र घाट और दूसरा है मणिकर्णिका घाट। जैसा कि मालूम हो, इन दोनों घाटों का पुनर्विकास रीडेवलपमेंट किया जाएगा, जिसमें से काम शुरू हो चुका है। और आपको दिखाते हैं सबसे पहले हरिश्चंद्र जाने वाला मार्ग पूरी तरीके से अलग ही नज़र आता है। तो चलिए अब चलते हैं घाट की तरफ लेकर आपको। ये रास्ता सीधे घाट की तरफ जाएगा। बनारस में कुल 84 घाट हैं, जिनमें से 2 ही घाट पर शवदाह कार्यक्रम होता है। काफ़ी बड़े पैमाने पर यहाँ पर मकानों का ध्वस्तीकरण किया गया है और अब काम काफ़ी तेज़ गति से होगा। फिलहाल ये सामने ही आप देख रहे हैं हरिश्चंद्र घाट सीवेज पंपिंग स्टेशन। इस तरफ आप देख रहे हैं पूरा जगह यहाँ पर साफ किया गया है और जितने भी अवैध निर्माण थे इन सभी को यहाँ से हटाया गया है। हरिश्चंद्र घाट रीडेवलपमेंट का यहाँ से आपको शुरू हो जाता है। आगे ही हरिश्चंद्र घाट, यहाँ काफ़ी बड़ा जगह था जो सालों से अतिक्रमण था इस जगह का, उसे पूरी तरीके से ढहाकर साफ किया गया है। और हरिश्चंद्र घाट सीवेज पंपिंग स्टेशन सामने की तरफ आप देख रहे हैं, यह है आपका हरिश्चंद्र घाट सीवेज पंपिंग स्टेशन। करीब 16 करोड़ रुपए से अधिक का ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। आगे ही आपका घाट जाने का मार्ग, और यहाँ आप देख रहे हैं किस प्रकार इसको घेराबंदी करके इस जगह को साफ किया गया है। तो चलिए अब चलते हैं घाट की तरफ और वहाँ से आपको मैं अपडेट देता हूँ। देख रहे हैं हरिश्चंद्र घाट रीडेवलपमेंट बाउंड्री वॉल इसको घेरा गया है। आगे आपको दिखाऊंगा सभी दृश्य। आप देख रहे हैं हरिश्चंद्र घाट से सामने गंगा नदी, और गंगा नदी में बढ़ते प्रदूषण के कारण इस घाट का रीडेवलपमेंट भी किया जाएगा, जिसमें गंगा को साफ करने वाले दृष्टि से यहाँ पर विकास कार्यक्रम किया जाएगा। आगे आप देख रहे हैं हरिश्चंद्र घाट, इस घाट का बहुत ही जल्द सूरत बदलने वाला है। जैसा कि आपने देखा इसमें किस प्रकार कार्यक्रम शुरू हो चुका है, पहले जितना भी अतिक्रमण था उस अतिक्रमण को हटाया गया है। आगे ही आपका मसाननाथ का मंदिर सामने, ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं, ये है मसाननाथ का मंदिर हरिश्चंद्र घाट पर। इस घाट का रीडेवलपमेंट कार्यक्रम और ये भवन, जैसा कि आप देख रहे हैं हरिश्चंद्र घाट की पहचान है। और इस घाट पर 16.5 करोड़ रुपए से इसका रीडेवलपमेंट किया जाएगा।
जैसा कि मालूम हो काशी की मान्यता मोक्ष नगरी की है। कहा जाता है कि भगवान शिव खुद महाशमशान मणिकर्णिका पर तारक मंत्र देकर जीवात्मा को आगमन के आने जाने के चक्रों से मुक्त करते हैं। और यहाँ पर हरिश्चंद्र घाट भी काफ़ी मान्यता रखता है। हरिश्चंद्र घाट पर भी मणिकर्णिका घाट की तरह सनातन थरवा धर्म को मानने वाले जितने भी लोग हैं उनमें काफ़ी मान्यता है। इसका कथानक सूर्यवंशी राजा त्रिशंकु के पुत्र हरिश्चंद्र से जुड़ा है। पौराणिक कथा अनुसार राजा हरिश्चंद्र ने ऋषि विश्वामित्र को स्वप्न में दिए दान को पूर्ण करने हेतु स्वयं को काशी के डोम राजा के यहाँ बेच दिया था। उनका दास बनकर हरिश्चंद्र घाट शव पर कर वसूली करते थे। अपने पुत्र के शवदाह के लिए भी उन्होंने अपनी पत्नी से उनकी साड़ी का एक टुकड़ा कर के रूप में लिया था। उनकी सत्यवादिता की कथा आज भी प्रचलित है। हरिश्चंद्र घाट चलिए ऊपर की तरफ ले चलते हैं, जहाँ पर इस घाट से संबंधित आपको बोर्ड के माध्यम से यहाँ पर बोर्ड लगा है इस घाट का। यह है हरिश्चंद्र घाट। हरिश्चंद्र घाट वाराणसी के दो प्रमुख शमशानों में से एक है। मान्यता यह है कि इस घाट का नाम राजा हरिश्चंद्र के नाम से प्रेरित है, जिन्होंने सत्य के पालन हेतु स्वयं को भी शमशान घाट पर बेच दिया था। घाट के निकट 20वीं शती का अलंकृत गोपुरम युक्त दक्षिण भारतीय स्थापत्य शैली का काशी काम कोटेश्वर मंदिर भी है। जैसा कि देख रहे हैं बाहर में पहले तो अतिक्रमण पूरा साफ किया गया है। Thank you.